हेलो चिल्ड्रेन वेलकम बैक अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मंथ्स ईयर्स और वीक्स का एडिशन और सब्रेक्शन किया था आज उसी पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जो दी हुई हैं उनको हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस फोर्टीन डी में सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बास्केटबॉल कोर्ट इज इन अनिल्स स्कूल वॉज टू बी कम्प्लीटेड इन टेन वीक्स टू डेज थ्री वीक्स फोर डेज हैव पासड सिंस द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हाउ मच मोर टाइम इज़ लेफ्ट अनिल के स्कूल में न्यू बास्केटबॉल कोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि टेन वीक्स टू डेज में कम्प्लीट होना था थ्री वीक्स फोर डेज पास हो चुके हैं यानी थ्री वीक्स फोर डेज हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए हुए हाउ मच टाइम मोर टाइम इज़ लेफ्ट कितना टाइम अभी बचा है यानी इतने टाइम में वो कंप्लीट होना था इतना टाइम पास हो चुका है अभी और कितना टाइम बाकी है सो टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन To be completed is equal to ten weeks and two days. Now, time passed three weeks, four days. Therefore, time left is equal to ten weeks. टू डेज माइनस थ्री वीक्स फोर डेज ओके टेन वीक टू डेज में से थ्री वीक फोर डेज को माइनस करेंगे नाउ टेन वीक टू डेज माइनस थ्री वीक फोर डेज नाउ टू वीक्स में से फोर टू डेज में से फोर डेज माइनस नहीं हो सकता इधर से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा टू डेज प्लस सेवन डेज वन वीक बोरो लेंगे तो सेवन डेज इज इक्वल टू नाइन डेज ना नाइन डेज माइनस फोर डेज इज इक्वल टू फाइव डेज यहाँ पर रहना फाइव डेज वन वीक बोरो दिया था तो यहाँ रह गया नाइन नाइन माइनस थ्री इज सिक्स वीक इज इक्वल टू सिक्स वीक्व डेज सो आंसर इज सिक्स वीक्री सुनाक्षी स्पेंड हर हॉलीडेज फॉर एट वीक्स थ्री डेज इन नैनीताल मसूरी एंड देहरादून शी स्टेड इन नैनीताल फॉर वन वीक फोर डेज एंड इन देहरादून फॉर थ्री वीक्स फाइव डेज हाउ मेनी डेज डिट शी स्पेंट इन मसूरी सोनाक्षी हॉलीडेज पर गई है एट वीक्स थ्री डे के हॉलीडे पर टोटल एट वीक्स थ्री डेज के हॉलीडे पर सोनाक्षी गई है नैनीताल मसूरी एंड देहरादून नैनीताल में वो वन वीक फ़ोर डेज़ के लिए रुकती है देहरादून में वो थ्री वीक्स फाइव डेज के लिए रुकती है तो मसूरी में उसने कितने दिन स्पेंड किए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है क्या करेंगे जो टोटल हॉलीडे हैं उसके उसमें से नैनीताल और देरा दून के जो टाइम उसने स्पेंड किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मसूरी में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है ठीक क्वेश्चन नंबर थ्री टोटल ड्यूरेशन ऑफ हॉलीडेज टोटल कितने दिन के लिए हॉलीडेज पर गई है वो एट वीक थ्री डेज ओके नाउथ इन नैनीताल वन वीक फोर डेज एंड इन देहरादून थ्री वीक्स फाइव डेज दे मसूरी मसूरी में कितने दिन उसने स्पेंड किए टोटल एट वीक थ्री डेज में से एट वीक्स थ्री डेज में से हम माइनस करेंगे वन वीक फोर डेज प्लस थ्री वीक्स फाइव डेज को तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे ठीक है सो वन वीक फोर डेज एंड थ्री वीक फाइव डेज इसको ऐड करेंगे ना फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन डेज ओके एंड नाइन इज इक्वल टू सेवन प्लस टू डेज तो टू डेज यहाँ रह जाएंगे और ये सेवन डे वन वीक के बराबर हो गया तो ये वीक में ऐड हो जाएगा तो थ्री एंड वन फोर एंड वन फाइव ओके इट मीन्स फाइव वीक और टू डेज उसने नैनीताल और देहरादून में स्पेंड किए हैं इसका मतलब एट वीक थ्री डेज माइनस फाइव वीक टू डेज अब इसको माइनस करते हैं एट वीक थ्री डेज 5 week 2 days 3 minus 2 1 and 8 minus 5 3 is equal to 3 week 1 day okay so the answer is she spent 3 weeks 1 day in मसूरी ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर संगीता इज फोर्टी इयर्स ओल्ड हर ब्रदर इज़ फोर्टीन इयर्स एट मंथ्स यंगर हाउ ओल्ड इज ब्रदर संगीता फोर्टी इयर्स की है उसका भाई उससे फोर्टीन इयर्स एट मंथ्स यंगर माने छोटा है तो उसके भाई की एज क्या होगी तो जो संगीता की एज दी है उसमें से उसके भाई जो जितना उसका भाई छोटा है उसको माइनस कर देंगे तो हमें उसके भाई की एज पता चल जाएगी ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर एज ऑफ संगीता फोर्टी इयर्स। ओके नाउ एज ऑफ हर ब्रदर इज इक्वल टू फोर्टी ईयर्स और जितना वो छोटा है उसको माइनस कर देंगे फोर्टीन ईयर्स एट मंथ्स इसको माइनस करते हैं फोर्टी ईयर्स ज़ीरो मंथ माइनस फोर्टीन ईयर्स एट मंथ ज़ीरो में से एट माइनस नहीं हो सकता इधर से बोरो करेंगे वन ईयर तो ज़ीरो प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व माइनस एट इज़ इक्वल टू फोर मंथ्स ओके तो यहाँ आएगा फोर मंथ्स फोर्टी ईयर्स में से वन ईयर एक इधर इधर बरो दिया तो ये रह गया थर्टी नाइन ईयर्स नाइन माइनस फोर फाइव एंड थ्री माइनस वन टू तो उसके भाई की एज कितनी हुई ट्वेंटी फाइव ईयर फोर मंथ्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स फोर मंथ Answer is her brother is twenty five years four months old. Now, question number five in two years, nine months. फ्रॉम नाव सुरेश विल बी थर्टीन ईयर्स ओल्ड हाउ ओल्ड इज सुरेश नाव टू ईयर्स नाइन मंथस के बाद सुरेश थर्टीन ईयर्स का हो जाएगा अभी उसकी एज कितनी है यानि थर्टीन में से हम इस ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी सुरेश कितने ईयर्स का है एज Of Suresh after two years nine months is thirteen years. Present age of Suresh is thirteen years minus two years nine months. सो थर्टीन ईयर्स जीरो मंथ माइनस टू ईयर्स नाइन मंथ नाउ ज़ीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा वन ईयर पॉरो लेंगे वन इज ईयर इज इक्वल टू ट्वेल्व मंथ सो ज़ीरो प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व मंथ्स एंड ट्वेल्व माइनस नाइन इज इक्वल टू थ्री मंथ्स, तो यहाँ आएगा थ्री मंथ्स थर्टीन में से वन ईयर बोरो दिया था तो ये रह गया ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस टू इज टेन सो टेन ईयर थ्री मंथ्स उसकी प्रेजेंट एज क्या है टेन ईयर्स थ्री मंथ्स आंसर नाउ सुरेश इज टेन ईयर्स

हाउ ओल्ड वॉज हर मदर वेन करंट वॉज बॉर्न करंट की एज दी हुई है उसकी मदर की एज दी हुई है क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जब करंट पैदा हुआ था तब उसकी मदर की एज क्या थी तो उसकी मदर की जो प्रजेंट एज है उसमें से करट की एज को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जब करंट बॉर्न हुआ था तो उसकी मदर की एज क्या थी ओके okay? Present Age of Mother twenty six years two months. Age of Current four years four months. Therefore, Age of Mother

इधर से वन ईयर बोरो करेंगे तो टू प्लस ट्वेल्व मंथ इज इक्वल टू फोर्टीन मंथ एंड फोर्टीन में से टेन माइनस करेंगे फोर मंथ तो यहाँ आएगा फोर मंथ ट्वेंटी सिक्स में से वन बोरो दिया था तो ये रह गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ट्वेंटी वन सो जब करेंट बॉर्न हुआ था तो उसकी मदर की एज कितनी थी ट्वेंटी वन ईयर्स फोर मंथ आंसर हर मदर्स एज वॉज ट्वेंटी वन ईयर्स फोर मंथ्स क्वेश्चन नंबर सेवेन आई स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स फाइव मंथ्स मैंने टीचिंग स्टार्ट की जब मेरी एज ट्वेंटी वन फाइव ईयर ट्वेंटी वन ईयर्स फाइव मंथ्स थी आई एम नाउ फोर्टी थ्री ईयर्स टू मंथ्स ओल्ड अब मैं फोर्टी थ्री ईयर्स टू मंथ्स की हूँ हाउ लॉन्ग हैव आई बीन टीचिंग तो मुझे टीचिंग करते हुए कितना टाइम हो गया है तो क्या करेंगे जो प्रेजेंट एज है उसमें से जो टीचिंग स्टार्ट की थी उस एज को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने टाइम से टीचिंग कर रहे हैं Age at the time of started teaching is twenty one years five months. Present age forty three years two.

टू माइनस फाइव नहीं होगा इधर से वन ईयर बोरो करेंगे तो टू प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर्टीन मंथ्स फोटीन माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइन मंथ्स तो यहाँ आएगा नाइन मंथ्स वन ईयर बोरो दिया था ये रह गया टू टू माइनस वन वन फोर माइनस टू टू सो ड्यूरेशन कितनी हुई ट्वेंटी वन ईयरस नाइन मंथ्स सो आंसर इज ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग इज ट्वेंटी वन ईयर्स नाइन मंथ्स क्वेश्चन नंबर एट टू पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर एट के फर्स्ट इज अंकिता इज टेन ईयर्स सिक्स मंथस ओल्ड हर सिस्टर अनामिका इज फाइव ईयर्स एट मंथ्स ओल्डर देन हर हाउ ओल्ड इज शी अंकिता टेन ईयर्स सिक्स मंथ्स की है उसकी सिस्टर अनामिका उससे फाइव ईयर्स एट मंथ्स ओल्डर यानी बड़ी है तो वो कितनी बड़ी है या उसकी एज कितनी है तो अंकिता की जो एज है उसमें अनामिका का जो एज डिफरेंस दिया है कि वो कितनी बड़ी है उसको ऐड कर देंगे तो अनामिका की एज हमें मालूम चल जाएगी a part age of ankita is 10 years 6 months age of anamika is 5 years 8 months plus 10 years 6 months is equal to दोनों को ऐड करते हैं फाइव इट मंथ्स टेन इयर्स एट प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस टू आएगा टू मंथ्स ये हो गया वन ईयर के बराबर इसलिए इधर ऐड हो जाएगा टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस वन सो अनामिका so, की एज कितनी हुई सिक्सटीन ईयर्स टू मंथ्स आंसर अनामिका एज सिक्सटीन ईयर्स टू मंथस ओल्ड ओके नौ बी पार्ट संचिता वेंट फॉर एन असाइनमेंट टू न्यूयॉर्क वन शी वॉज ट्वेंटी टू ईयर्स सिक्स मंथ्स ओल्ड संचिता जब न्यूयॉर्क गई थी अपने असाइनमेंट के लिए तब वो ट्वेंटी टू ईयर्स मंथ्स की थी नाउ शी इज़ थर्टी एट ईयर्स ओल्ड अब वो थर्टी एट ईयर्स की है थर्टी एट ईयर्स वन मंथ की है हाउ लॉन्ग हैज़ शी बी इन न्यूयॉर्क तो वो न्यूयॉर्क कितने टाइम के लिए रही age of sanchita when she went new york is 22 years 6 months take now present age of संचिता इज थर्टी एट ईयर्स वन मंथ नाउ ड्यूरेशन फॉर शी हैज बीन इन न्यूयॉर्क इस थर्टी एट ईयर्स वन मंथ में से माइनस करेंगे ट्वेंटी टू ईयर्स सिक्स मंथ्स को, ठीक है नाउ थर्टी एट ईयर्स वन मंथ ट्वेंटी टू ईयर्स वन माइनस सिक्स नहीं होगा इधर से वन ईयर बोरो करेंगे तो वन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थर्टीन मंथ्स, थर्टीन माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन मंथ्स तो यहाँ आएगा सेवन मंथ्स वन ईयर बोरो दिया था इसलिए ये रह गया थर्टी सेवन सेवन माइनस टू फाइव एंड थ्री माइनस टू वन सो फिफ्टीन ईयर्स एंड सेवन मंथ सो द आंसर इज शी हैज बीन इन न्यूयॉर्क फॉर फिफ्टीन ईयर्स 7 months okay so here we have completed self practice 14d in our next video we will discuss about temperature till then practice all the word problems take care of yourself bye bye